नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे तमिलनाडु राज्य के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। ये राज्य पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भारत में सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यहाँ हिल स्टेशनों से लेकर खूबसूरत बीचेस तक और तीर्थ स्थलों से लेकर एडवेंचर एक्टिविटी तक सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ की रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान और वेशभूषा इसे भारत के अन्य राज्यों में अलग पहचान दिलाती है। तो चलिए फिर जानते हैं तमिलनाडु राज्य के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऊटी। ऊटी तमिलनाडु राज्य का खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अगर आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, शांत मौसम और हरियाली देखने का शौक है तो ये स्थान आपके लिए बेस्ट है। ये जगह समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ऊटी कपल्स और हनीमून के लिए सबसे फेमस डेस्टिनेशन है। इसके अलावा आप यहाँ टॉय ट्रेन की सवारी करते हुए यहाँ की हसीन वादियों में पहुँच सकते हैं। ये एक अलग ही अनुभव रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी और एक बड़ा शहर है। ये शहर दक्षिण भारत के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। चेन्नई समुद्र तट पर बसा एक समृद्ध इतिहास वाला शहर है। इस शहर में कई खूबसूरत मंदिर, इमारतें, म्यूजियम और बीचेस हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान हैं सेंट जॉर्ज किला, गवर्नमेंट म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, पार्थ सारथी मंदिर, कपालेश्वर मंदिर और अष्टलक्ष्मी मंदिर। ये यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम सुंदर द्वीप पर स्थित एक पवित्र स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो स्थान है जहाँ भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाया था और इस पुल को बनाकर ही वो श्रीलंका तक पहुँचे थे। भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ भगवान राम और भगवान शिव की पूजा होती है। द्वीप पर स्थित इस स्थान पर कई हिंदू धार्मिक स्थान मौजूद हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी दक्षिण भारत का एक सबसे निचला शहर है। समुद्र के किनारे बसे इस शहर की खूबसूरती ही अलग है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक होता है। ये शहर प्राचीन समय से ही कला, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ घूमने के प्रसिद्ध स्थान हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी मंदिर, ओला करूबी फॉल, महात्मा गांधी स्मारक और पद्मापुरम महल। ये यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कांचीपुरम। तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर को सुंदर नक्काशीदार मंदिरों और कांचीपुरम साड़ियों के लिए जाना जाता है। कांचीपुरम एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए इसका विशेष महत्व है। यहाँ पर प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है और कैलाशनाथर मंदिर है, जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली मंदिर एकम्बेश्वर मंदिर है, जो कि 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कोडाईकनाल। तमिलनाडु का कोडाईकनाल एक सुंदर हिल स्टेशन है, जो कि समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान अपनी सुंदरता और शांत मौसम के कारण सभी को पसंद आता है। गर्मियों के मौसम में इस जगह सबसे ज़्यादा भीड़ आती है, क्योंकि यहाँ का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है। यहाँ आप कोडाईकनाल झील, बियरसोला फॉल्स, ब्रायंट पार्क, पिलर्स रॉक, गुना केव्स और बेलीजम झील जैसी कुछ खूबसूरत जगहों पर घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, जो कि नक्काशीदार मंदिरों और रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र किनारे स्थित ये एक प्राचीन शहर है। इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले सैकड़ों मंदिर थे, लेकिन ज़्यादातर अब समुद्र में डूब चुके हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं सोर मंदिर, पंचरथ मंदिर, गंगा अवतरण स्मारक, टाइगर गुफा और कुछ यहाँ के अन्य मंदिर भी हैं जो यहाँ पे घूमने लायक अच्छे स्थान हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मदुरै। मदुरै तमिलनाडु में स्थित भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। मदुरै को तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसिद्ध त्रिकुरपुड़म मंदिर, गांधी म्यूजियम और यहाँ के स्ट्रीट फूड काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
ये शहर मुख्य रूप से अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वेल्लोर। वेल्लोर तमिलनाडु का एक प्राचीन शहर है। इस शहर में पल्लवों, चोल, विजयनगर, कर्नाटक और ब्रिटिश का शासन रहा था, इसलिए इन सब साम्राज्यों की झलक आज भी यहाँ दिखाई देती है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए देखने के लिए सबसे अच्छे स्थान हैं वेल्लोर किला, मार्वलस किला, स्वर्ण मंदिर और यहाँ के मार्केट। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कोयम्बटूर। तमिलनाडु का कोयम्बटूर दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। कोयम्बटूर में प्राचीन मंदिरों से लेकर नई इमारतें और पहाड़ियों से लेकर झरनों तक सब कुछ मौजूद है, जो कि यहाँ छुट्टी बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। कोयम्बटूर में कई सारे प्राचीन मंदिर हैं और यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और माउंटेनियरिंग जैसी एक्टिविटी का भी मजा ले सकते हैं। तो यह है तमिलनाडु के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।